स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपनी टाइप्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी सारी एग्जामिनेशन की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए एक अपडेट लाया हूं कि एसएससी एमटीएस का जो आपका शॉर्ट नोटिस जारी हुआ होगा आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले, बट मैं अपडेट नहीं दे पाया था काफ़ी दिनों से। अब आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है वेबसाइट पर, आज ही के दिन आया है 22 अप्रैल को, एसएससी एमटीएस का यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का, यानी कि आपका जो 10th बेस है यानी आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा वो 10th क्लास होगा यानी मैट्रिकुलेशन होगा। 10th पास वालों के लिए निकला है, उससे ज़्यादा वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर 10th पास के लिए मांगा गया मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर हम फॉर्म की जनरल डिटेल्स देख लेते हैं आखिरकार क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई हैं और कैसे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डेट ऑफ एग्जाम सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बोला है आपका 22 अप्रैल से लेकर 29 मई तक, ठीक है, यानी 22 अप्रैल से आप 29 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है जो आपका वो है 29 मई शाम को 5 बजे तक, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर दे रखा है लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट यानी 31 मई को आपके लास्ट डेट होगी आपकी ऑनलाइन पेमेंट करने की, और चालान के लिए भी आपके 31 मई दे रखा है, ठीक है। अब लास्ट डे ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 1/6 यानी कि आपका 1 जून तक आप इसको भर सकेंगे चालान को, और जनरेट कर सकेंगे चालान आप 31 मई तक, ओके। जनरेट करने के बाद आप 1 तारीख तक भर सकेंगे। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे टेंटेटिव डेट जो बताइए टीयर वन की, यहाँ पे 2 एग्जाम होंगे टीयर वन एंड टीयर टू। टीयर वन की डेट बताई गई है यहाँ पर, आपका जो बताया गया है 2 अगस्त की बताई गई है, 2 अगस्त से लेकर 6 सेप्टेम्बर तक यहाँ पर इन्होंने डेट दे रखी है। अब यहाँ पर डेट टीयर टू की बता रखी है 17 नवंबर, यानी कि ये डेट टेंटेटिव है, आगे पीछे चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि जेई भी है, सीएचएसएल भी आपका है और ये एमटीएस भी आ चुका है, तो इनके डेट्स में काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो फिलहाल चुनाव तो वेट करना है, चुनाव खत्म होने के बाद हमें जो भी अपडेट्स होंगी वो देंगे, एसएससी फाइनल डेट्स देंगे और आपको पता चल जाएगा आखिरकार आपके एग्जाम्स कब होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी जो है वो तो एसएससी पहले बताता नहीं है, टेंटेटिव वैकेंसी थोड़े टाइम बाद बता देगा, ज़रूर आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर, हम अपडेट दे देंगे। रिजर्वेशन वही शेड्यूल है जो रिजर्वेशन का जो होता है ईडब्ल्यूएस, इसमें भी है, एंड सारी चीज़ें जो होती हैं एग्जाम में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। सर्टिफिकेट्स और सारे फॉर्मेट सारे इसमें दे रखे हैं, क्या रिक्वायरमेंट होते हैं रिजर्वेशन एंड सारी चीज़ों के एंड या डिसेबिलिटीज़ के भी, तो सब चीज़ें अच्छे से दे रखी है, कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछेगा। साथ ही में यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर चलते हैं, यहाँ देखिए एज लिमिट बता रखी है, एज लिमिट आपके 18 से 25 साल का जो बता रखा है, और रिलैक्सेशन भी दे रखा है एस सी एस टी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, ऐसे करके सारे रिजर्वेशन रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम सीधे चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, यहाँ एक और चीज़ बता रखी है, यहाँ पर देखिए प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट, आपका फॉर्मेट जो है सारे नीचे गिवन दे रखे हैं, उन्हें फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने होते हैं डीवी के टाइम, डीवी ज़रूर होता है इसमें, एंड यहाँ पर सारी चीज़ें वो बता रखी हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे एज ऑन 1 अगस्त 2019 यानी 1 अगस्त 2019 तक आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी आपका 10th मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपका रिजल्ट नहीं हो तो कट ऑफ डेट तक आपका रिजल्ट हो जाना चाहिए, अगर आपका एविडेंस मिल दे देते हैं आप उनको तो आपका तो भी चलेगा, अदरवाइज आपका 1 अगस्त 2019 तक आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th एग्ज़ाम है जो है 10th क्लास की एग्ज़ाम होती है, हाई स्कूल की एग्ज़ाम होती है, वो आपकी पास होनी चाहिए 1 अगस्त 2019 तक। तो यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, वैकेंसी डिटेल्स अभी नहीं पता है तो हमें नहीं पता क्या वैकेंसीज आ रही है, कितनी आ रही है, वो आने वाले ड्यू टाइम में हमें पता चल जाएगी। हाउ टू अप्लाई है तो वही चीज प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन आपका हो रखा है तो उसके रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप अप्लाई कर देंगे, नहीं हो रखा है फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करेंगे आप पहले, उसके बाद आप अप्लाई का फॉर्म भरेंगे आपका एसएससी एमटीएस का। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस है और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ कुछ भी डाउट हो जरूर पूछे, अगर होगा तो आने वाले टाइम में आपको जरूर बता देंगे कि कैसे फॉर्म भरना है। बाकी कोई सिंपल सी प्रोसेस है, हमने जेई और आपका सीएचएसएल का जिस तरह से फॉर्म भरे थे ना उसी टाइप से आपको ये भी फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो रखा है पहले से ही, आपने इनके सीएचएसएल या जेई के भरे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधे आपको सीएचएसएल के अप्लाई पर जाना है, थोड़ी बहुत डिटेल भरनी है और आपका फॉर्म भरा जाएगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
यहाँ पर देखिए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम देखते हैं, यानी कि किस तरह का पैटर्न है। देखिए दो एग्जामिनेशन हो गए यहाँ पर बता रखा है, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर टू डिस्क्रिप्टिव होगा, पेपर वन ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ पर ये चीज़ें इन्होंने बता रखी है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBET होगा, और यहाँ पर क्या दे रखा है, चार सेक्शन होंगे आपके, जनरल इंग्लिश होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, और जनरल अवेयरनेस होगा। इंग्लिश छोड़ के बाकी सब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको 25-25 क्वेश्चन सभी के होंगे, आपके 100 क्वेश्चन होंगे, आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, और फिर आपका जो 120 मिनट दिए जाएंगे जिनके भी स्क्राइब हो गए, ठीक है, डिसेबल पर्सन होते हैं उनके स्क्राइब रखा जाता है, तो उनको 120 मिनट दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने हैं, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है मैथ्स ही है, एंड यहाँ पर देखेंगे जनरल अवेयरनेस है। ये चार सेक्शन में यहाँ बांट दिया। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की आपकी, और नॉर्मलाइजेशन होगा आपका, नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरिट मार्क्स आएंगे आपके। तो ये चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला SSC ने जो दिया था उसी के बेसिस पे होगा, वो हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके थे नॉर्मलाइजेशन बाय SSC, एंड उसी तरह से इस पे भी नॉर्मलाइजेशन होना है। और 0.25 यानी 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। पेपर वन आपका क्लियर करने के बाद आप जाएंगे पेपर टू में। पेपर टू भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, आपको ऐसे राइटिंग होगा शॉर्ट ऐसे। देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, शॉर्ट ऐसे लेटर राइटिंग होगा इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि शॉर्ट ऐसे लेटर होगा आपका, लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग होगा। लैंग्वेजेस इन्होंने नोटिस के लास्ट में दे रखी है कि कितनी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं इस पेपर टू को। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस का ऑप्शन ज़्यादा है, आप ज़रूरी नहीं है हिंदी इंग्लिश वाले दूसरी लैंग्वेज भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 होंगे, 30 मिनट का समय दिया जाएगा और 40 मिनट स्क्राइब वालों को दिया जाएगा। तो ये पेपर टू होगा। क्वालिफाई करने के बाद आप इसको, ये सब करने के बाद आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल नहीं है तो DV के लिए बुलाया जाएगा। DV में सारे फॉर्मेट्स एंड सर्टिफिकेट्स आपको जो भी पूछे गए हैं सारे एविडेंस आपको देने पड़ेंगे, प्रूफ देने पड़ेंगे, एंड DV के बाद आपको फाइनल पोस्टिंग मिल जाएगी और समय रहते आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आप फिलहाल अभी पेपर वन की तैयारी कीजिए, पेपर टू की डिस्क्रिप्टिव की जो लेटर राइटिंग होती है उसमें जो टॉपिक्स एंड ऑल आते हैं वो सभी आप देखेंगे, पुराने चीज़ें उठाएंगे, पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल आपको पेपर वन क्रैक करना है और MTS का है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्जामिनेशन है, 10th लेवल का एग्जामिनेशन है। तो आपको डिसाइड करना है, अगर आप हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले हैं तो अगर आपको चाहते हैं कि आपको ये जॉब भी करनी है, आपको एटलास जॉब चाहिए तो आप बढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते तो आप देख लीजिए 10th लेवल की एग्जाम है, और अगर आपने हायर डिग्री या कुछ कर रखी है तो आप जो उस लेवल के एग्जाम देना चाहते हैं वही दीजिए। जरूरी नहीं है कि हमें सारी एग्जाम दिए जाए, अगर आप जॉब नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे ये जॉब तो आपको मतलब नहीं एग्जाम देने से भी। तो इसलिए ये सब चीजें सोच समझ के अच्छे से चलिए, और जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं आप, अगर सिंगल एग्जाम फॉर्म कितने आ रहे हैं और कितने हमें भरना है। तो यही सब चीज़ें थी, यही डिटेल थी जो मैं जो आपको सब आपके साथ शेयर करनी थी, और आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड उसमें भी कुछ डाउट अगर हो आपको, देखिए सिलेबस यहाँ पर दे रखा है सारा, इंग्लिश लैंग्वेज का, इंटेलिजेंट रीजनिंग का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का और जनरल अवेयरनेस का, इनको पढ़ लीजिएगा। देखिए मैथ्स के सारे टॉपिक्स हैं, जो जो टॉपिक्स हैं इन्हीं के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, और पेपर टू के लिए यहाँ पर बता रखा था पेपर विल बी सेट इन हिंदी इंग्लिश एंड इन अदर लैंग्वेज मैंशनड इन शेड्यूल 8th शेड्यूल बता रखा है जो। तो ये पेपर टू के बारे में डिटेल है। तो इसी तरह से सारी चीज़ें हैं, एंड कुछ भी डाउट हो उसका तो कमेंट कीजिएगा। एंड जो मैसेज एंड कमेंट्स के रिप्लाइज आप लोगों के पास नहीं आ पाए थे, मैं माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी टाइम से मैं नहीं था और आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया, मेल के रिप्लाई नहीं कर पाया और सारी चीज़ों के रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ उन सभी चीज़ों के लिए। एंड आई होप मैं सारी चीज़ें अभी जल्द से जल्द आपको रिप्लाइज और सारे प्रोसेस कर दूंगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स थी। एंड माफ़ी चाहूँगा, सीरियसली मैं नहीं था यहाँ पर और आपको कुछ भी अपडेट बीच में नहीं मिल पाई, और आई होप मैं आने वाले टाइम में आपको अच्छे से अच्छे टाइम पे अपडेट दे दिया करूँगा। एंड यही सब चीज़ें थी आपके साथ शेयर करनी थी, एंड आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, और हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हेल्थ ही इंपॉर्टेंट है। 2019 मेरे लिए हेल्थ के लिए बहुत ही बेकार साबित हुआ है, एंड मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहा हूँ 2019 में। तो आप सभी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए एग्ज़ाम टाइम पे। मैं एक्सपीरियंस लेके बता रहा हूँ आपको कि एग्ज़ाम टाइम पे हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मेहनत वेस्ट हो जाती है। आपने पूरा डेडिकेशन से मेहनत की और एग्ज़ाम के 10 दिन तक बीमार रह गए तो आप कुछ मतलब नहीं रह जाएगा आपकी मेहनत का, साल भर की या 2 साल की या 3 साल की। तो सिर्फ हेल्थ का ध्यान दीजिए जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते, उसके बाद आप आपकी मर्ज़ी का खाइए, पर अभी फ़िलहाल अच्छा सा स्वस्थ खाना खाइए एंड स्वस्थ रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए विदा लेता हूँ, चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।